press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अंतर्यात्री महापुरुष ये फिल्म बनने जा रही है. महापुरुष अपने विद्यासागर जी के जीवन यात्रा पर. और जब भी ऐसी कोई अच्छी फिल्म बनने जाती है तो इसके मार्गदर्शक तो खुद वो महापुरुष होते हैं जिनके ऊपर ये फिल्म बनने जा रही है. और मेरा नसीब अच्छा है, मैंने भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि मुझे इसमें एक बहुत अहम किरदार करने को मिल रहा है. मैं महापुरुष की माँ का किरदार निभा रही हूँ. और जब अनिल जी जो इसके निर्देशक हैं उन्होंने मुझसे कहा कि ये किरदार है तो मैं खुद बहुत ज़्यादा धार्मिक वृत्ति की हूँ और मुझे अच्छा लगता है इसका प्रचार करना, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छे विचारों की अगर फिल्म बनती है तो हमारे साथ साथ हमारे आगे की जो पीढ़ी है उन तक भी ये बातें पहुंचती हैं, हमारे संस्कार पहुंचते हैं. और ये इनफैक्ट हमारा कर्तव्य है कि ऐसी फिल्में हम बनाएं और आगे की हमारी जनरेशन्स तक ये पहुंचाएं, उनके विचार पहुंचाएं. तो डेफिनेटली मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस फिल्म से जुड़ गई हूँ. थैंक यू. जी, मैंने नाम तो सुना था लेकिन मैंने जैसे कि कहा कि धार्मिक वृत्ति की हूँ तो मैंने खुद 3 फिल्में बनाई हैं धार्मिक, जिसके निर्देशक मेरे हस्बैंड रहे हैं दीपक बलराज विच. तो एक मोटियाची रेणुका मराठी फिल्म बनाई थी जो रेणुका माता के प्रचार के लिए थी. फिर साईं बाबा की जीवन पर 2 फिल्में बनाई, एक सबका मालिक एक और मालिक एक. सो ऐसे फिल्में बनाने के बाद जब ये फिल्म भी आती है मेरे पास तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आदेश है ईश्वर का और इन्हीं महापुरुष का कि मैं ये किरदार निभाऊं. तो मुझे अच्छा लगा और फिर मैं अभी उनके जीवन के बारे में निश्चित अभ्यास करूँगी. मैं बहुत ही आदर करती हूँ इनके धर्म का कि जिस हिसाब से उनका खाना पीना अलग होता है, उनकी पूजा पाठ अलग होती है. मेरे बहुत दोस्त यार हैं, मेरे सहेलियां हैं बहुत सारी, फैमिलीज़ हैं बहुत सारे जो जैन हैं और मैंने निकट से देखा है उनको. तो मैं डेफिनेटली उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ.